हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके बीच में 7 वैकेंसी का चर्चा करेंगे। ये 7 वैकेंसी आपका झारखंड स्टेट से ही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब हम लोग वैकेंसी का डिटेल देखते हैं। ये वैकेंसी आप देख सकते हैं झारखंड स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है। आप देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट अकाउंट ऑफिसर। आप सैलरी देख सकते हैं 65,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट के बात किया जाए तो 2 पोस्ट है, रिजर्व का 1 है, एसटी का 1 है और एज लिमिट आपका 45 ईयर्स है। अकाउंटेंस आप देख सकते हैं 30,000 रुपये पर मंथ है। नंबर ऑफ पोस्ट 8 है, रिजर्व का 4 है, एसटी का 2 है, एससी का 1 है, बीसी 1 का 1 है। एज लिमिट आपका 35 ईयर्स बोला गया है। एमआईएस मैनेजर का 60,000 पर मंथ आपको एक ही पोस्ट है, रिजर्व का है, एज लिमिट आपका 40 ईयर्स बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आपको इनिशियली जो है वो 3 साल का आपको अपॉइंटमेंट किया जाएगा। उसके बाद आपका एक्सटेंडेड फॉर एन एडिशनल पीरियड आपको 2 ईयर्स का अप्रूव किया जाएगा एनुअल बेसिस इन केस ऑफ सर्विस फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, अगर आपका सेटिस्फैक्ट्री अगर सर्विस रहेगा तब। और सेकेंड पॉइंट देख सकते हैं फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 3/3/2022 है। शाम मैं आप देख सकते हैं 5 बजे तक शाम तक आप फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर विज्ञापन के संबंधित अगर आपको डिटेल की आवश्यकता है तो वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं, इसका वेबसाइट भी दिया हुआ है। अब आप फॉर्म कैसे भरेंगे उसका डिटेल चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि फॉर्मेट अलॉन्ग विथ द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द प्रूफ एज का प्रूफ चाहिए, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस शुड बी सेंड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट कुरियर बाय पर्सन। एड्रेस देख सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर झारखंड स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड, JSFC बिल्डिंग, कड्रू मैन रोड, रांची। पिन कोड दिया हुआ है 83402। आप देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का डिटेल देखते हैं। अकाउंट ऑफिसर का आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका CA और MCOM अलॉन्ग विथ MBA इन फाइनेंस और CA इंटर। नॉलेज में देख सकते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, कंपनी लॉ एंड टैक्सेशन का ज़रूरत पड़ेगा। एक्सपीरियंस मिनिमम 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, एज आपका 45 ईयर्स बोला गया है। मोड ऑफ रिक्वायरमेंट, द रिक्वायरमेंट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ एकेडमिक मार्क एक्सपीरियंस एंड एज वेल एज इंटरव्यू। अकाउंटेंट का देख सकते हैं आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका CA है, इंटर ICWA, इंटर MBA फाइनेंस। नॉलेज में आप देख सकते हैं टैली होना चाहिए, अकाउंटेंस इंटरनेट बेसिस टेक्निशियन एंड नॉलेज ऑफ कंपनी अकाउंटेंस के चाहिए। एक्सपीरियंस आपका 2 साल का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट देख सकते हैं एज लिमिट 35 ईयर्स हो। मोड ऑफ रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं द रिक्वायरमेंट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन ऑफ एकेडमिक मार्क्स एक्सपीरियंस एंड एज वेल एज इंटरव्यू। MIS मैनेजर का अब हम लोग देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका BCA या MCA या BTech या BE फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 55% मार्क्स बोला गया है। एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो मिनिमम 5 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बोला गया है। एज लिमिट आपका 40 ईयर्स बोला गया है। मोड ऑफ रिक्वायरमेंट आपका सेम है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यह जो है आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, इसी तरह से आप सबको बनवा कर अपने सारे डॉक्यूमेंट को अटैच कर आपको स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से जो पता दिया हुआ है उस पर आप लोग भेज सकते हैं दिए हुए पते पर समय अनुसार। अब हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी को देखते हैं। यह वैकेंसी आपका झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के संदर्भ में है। आप देख सकते हैं दिनांक 7/2/2022। आप इसका डिटेल देखते हैं। यह लिखा हुआ है कि उत्पाद एवं मध्य निषेध विभाग अंतर्गत उत्पाद सिपाही की रिक्तियों के विरुद्ध झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन दिनांक 25/2/2022 से दिनांक 26/3
2022 की मध्य रात्रि तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसका वेबसाइट भी दिया हुआ है, उस पर भी आप लोग देख सकते हैं। इसका जो भी है वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता आयु सीमा अंतर्गत आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं, अगर आपकी एजुकेशन मैच करती है, आयु मैच करती है तब। इसका साइट पर क्लियर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। दिनांक 29/3/2022 के मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क भुगतान करने तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेने के लिए दिनांक 1/4/2022 की मध्य रात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा, और दिनांक 2/4/2022 से दिनांक 4/4/2022 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को, मतलब गलत अगर आप डाले हुए हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, इसके लिए पुनः आपको लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। अब हम लोग देखते हैं इसी में और आगे। रिक्तियों की संख्या एवं अन्य सूचना जो है विवरणिका में अंकित है। अब हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं। यह वैकेंसी आपका मनरेगा अंतर्गत लोकपाल की नियुक्ति हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति है। आप देख सकते हैं इसका डिटेल लिखा हुआ है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में मनरेगा से संबंधित शिकायत के त्वरित एवं समयबद्ध निवारण हेतु झारखंड राज्य के 5 जिला है आपका चतरा, गुमला, जमताड़ा, लोहरदगा एवं सरायकेला खरसावां में लोकपाल में एकक लोकपाल की नियुक्ति की जानी है। इसका और देख सकते हैं हम लोग लिखा हुआ है, रिक्त पद के विरुद्ध लोकपाल के नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों के योग्यता पैनल के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह योग्यता पैनल 2 वर्ष के लिए वैध रहेगा। इसके संदर्भ में आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, डिटेल apply.rdd.jharkhand.government.in पर आप देख सकते हैं। अभी प्रमाणित प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन पत्र को विधिवत रूप से भरकर आप इस पते पर आप भेज सकते हैं, श्री प्रमोद कुमार अवध सचिव राज्य मनरेगा कोषांग ग्रामीण विकास विभाग प्रथम तल FFP भवन ध्रुवा रांची 834004 पर आप झारखंड को ये पंजीकृत स्पीड पोस्ट या हाथों हाथ के माध्यम से भेजा जाए। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है आपका 7/3/2022 के अपराह्न 6 बजे तक आप फॉर्म भेज सकते हैं। आवेदक उक्त 5 जिलों में से किसी एक जिले के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। एक से अधिक जिलों के लिए आवेदन प्राप्त होने पर उनकी उम्मीदवारी मतलब रद्द हो जाएगी, इसलिए आप लोग एक ही जिला में आवेदन करें। योग्यता पैनल में चयन के लिए कार्यालय से संपर्क नहीं किया जाएगा। अगर किसी आवेदक द्वारा ऐसा किया जाता है तो उसकी अयोग्यता समझी जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी का डिटेल देखते हैं। यह वैकेंसी आपका पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल मणि नगर के द्वारा निकाला गया है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। आप देख सकते हैं केंद्र संपोषित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं नई योजना जल जीवन मिशन हेतु जारी दिशा निर्देश के आलोक में निरूपित योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर सूचित पदों के विरुद्ध आपको बहाली के लिए निकाला गया है आवेदन पत्र। देख सकते हैं MIS कोऑर्डिनेटर का है, जो कि एक ही पद है, अनारक्षित के लिए है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स ये होना चाहिए, या MBA HR MSc जियोलॉजी केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी PG डिग्री और डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट सोशल साइंस, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट इन और PG डिग्री भी बोला गया है। और बोला गया है आपका MCA PG DCA या MSc IT डाटा साइंस स्टेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एंड रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से आपको मिनिमम 55% मार्क्स के साथ जरूरी है। कार्य अनुभव भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, और वेतन आपको ₹35,000 प्रति माह दिया जाएगा। आप देख सकते हैं नेक्स्ट पोस्ट है IEC कोऑर्डिनेटर का, ये भी आपका एक ही पोस्ट है। इसका भी आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, और सैलरी अगर बात किया जाए तो ₹35,000 पर मंथ दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है आपका देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट SBM कम SLWM कोऑर्डिनेटर का है, जो कि ये भी आपका अनारक्षित के लिए है, एक ही पोस्ट है। और क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं कि सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से MBA पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट MSW और एनी अदर रिलेटेड सब्जेक्ट विथ मिनिमम 55% मार्क्स
फ्रॉम ए रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी स्किल प्रिपेयरिंग कंप्लीटिंग रिपोर्ट फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल लैंग्वेज विल बी एडवांटेज आपको बोला गया है। कार्य अनुभव भी देख सकते हैं। इसका जो मासिक मानदेय है आपका 40,000 रुपया प्रति मंथ दिया जाएगा। इसका वेबसाइट भी दिया हुआ है www.plamu.nic.in पर भी आप सारा डिटेल देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं। यह वैकेंसी आपका डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट का है। आप देख सकते हैं वाल कैन इंटरव्यू के माध्यम से दिया गया है। सिटी मिशन मैनेजर सोशल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ही पोस्ट है, अनरिजर्व का है। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, एज लिमिट आपका 50 ईयर्स है और आपको मंथली जो पेमेंट मिलेगा 50,000 से 60,000 के बीच में मिलेगा। डेट ऑफ इंटरव्यू आपका 18/2/2022 को है। आप देख सकते हैं इंटरव्यू आपका 18/2/2022 को है। अगर स्थान का बात किया जाए तो JUPMI बिल्डिंग डेकोरेट ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन धुरुआ रांची में होगा। पिन कोड भी देख सकते हैं आप। रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग जो है आपका 9:30 बजे है सुबह में से 11:30 तक है ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है कि 10th और 12th आपका झारखंड से ही होना चाहिए, जो भी ऊपर में योग्यता दिया गया है उसके अलावा। अब हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वाल के इंटरव्यू द कास्ट डोमिसाइल एंड NCL सर्टिफिकेट शुड नॉट बी ओल्डर देन आपका 12 मंथ होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं। ये वैकेंसी आपका यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है। देख सकते हैं लिखा हुआ है 2 बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट का निकाला गया है। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देख सकते हैं आपका। मंथली पेमेंट दिया जाएगा और एज लिमिट 28/2/2022 से काउंटिंग किया जाएगा। फिजिकल फिटनेस और मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं। आप देख सकते हैं वेतन आपको 36,045 रुपये दिया जाएगा और एज लिमिट आपको अनरिजर्व EWS के लिए 45 ईयर्स, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 48 ईयर, SC ST के लिए 50 ईयर्स बोला गया है। नो डिफॉर्मिटी आपको बोला गया है। फिजिकल फिटनेस में मोड ऑफ सिलेक्शन आपका ट्रेड टेस्ट रहेगा। फॉर्म आपको स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से दिनांक 28/2/2022 तक आपको भेज देना है। पता आप देख सकते हैं जनरल मैनेजर IP&IRS या CP यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पोस्ट ऑफिस आपका जादूगोड़ा माइंस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सिंहभूम झारखंड 8821-02 में आपको भेजना पड़ेगा। अब हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी और लास्ट वैकेंसी देखते हैं। ये आपका वैकेंसी है वाल कैन इंटरव्यू ऑफ जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकाला गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के तहत। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ए वाल कैन इंटरव्यू फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल ऑफिसर फॉर द बिलो ऑफ मेंशन पोस्ट ऑफ विल बी आपका हेल्ड रहेगा 21/2/2022 बिटवीन 11:30 बजे से लेकर 2 बजे तक आपका एट द ऑफिस ऑफ द वेलफेयर कमिश्नर लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन शरण भवन पोस्ट ऑफिस डोंडा डिस्ट्रिक्ट रांची झारखंड। आप देख सकते हैं और COVID-19 से आपको फॉलो करना पड़ेगा उसका जो भी नियम है। डिटेल और पोस्ट का आप देख सकते हैं सेंट्रल हॉस्पिटल LWO 12 जमडा 50 बेडेड का है। डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हैं वेस्ट सिंहभूम है झारखंड। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर का है, आपको जो वेतन दिया जाएगा 60,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। सेकंड पोस्ट देख सकते हैं स्टेटिक मेडिकल यूनिट यूरिया डिस्पेंसरी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सिंहभूम का ये है झारखंड का है। आप देख सकते हैं वेतन इसमें भी आपको 60,000 रुपये प्रति मंथ दिया जाएगा, एक ही पोस्ट है। और थर्ड नंबर स्टेटिक मेडिकल यूनिट तारा पवंडा डिस्पेंसरी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सिंहभूम का ही दिया हुआ है, इसमें भी एक पोस्ट है, आपको 60,000 रुपये दिया जाएगा। चौथा नंबर भी आप देख सकते हैं स्टेटिक्स कम मोबाइल मेडिकल यूनिट भवनाथपुर डिस्पेंसरी डिस्ट्रिक्ट गढ़वा झारखंड का है, इसमें भी आपको 60,000 रुपये दिया जाएगा। मेडिकल ऑफिसर का है, एक पोस्ट है। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट आपका 179 डे एंड मे बी एक्सटेंडेड बेस्ट आपका जो परफॉर्मेंस के अनुसार आपको एक्सटेंड किया जा सकता है। एज लिमिट आपको 70 ईयर्स आपको बोला गया है। क्वालिफिकेशन की अगर बात किया जाए तो आप देख सकते हैं BBS लिखा गया है, क्वालिफाइड होना चाहिए
इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, द इंटरेस्टेड कैंडिडेट मे अपियर ऑन द अबव डेट एंड टाइम एट द डिजाइनेड वेन्यू अलॉन्ग विथ द बायोडाटा। आपको रखना होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखना होगा, फोटोग्राफ रखना होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एनी, नो TDA विल बी ग्रांटेड फॉर अटेंडिंग। आपको इंटरव्यू के दौरान जो आने जाने का आपका TDA वगैरह है वो नहीं मिलेगा। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।